एनिमल जो मूवी है अब उसमें सूर्या की एंट्री होगी, लेकिन एनिमल के साथ जो बोलते हैं ना विवादों का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है, और जो एनिमल के हेटर्स हैं उनकी भी संख्या कम नहीं हो रही है। अब इसमें नया जो एंट्री हो गई है वो हो गई है दिव्य कृति। आप जानते होंगे सारे लोग कि आईएएस की कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं दिव्य कृति, उन्होंने एनिमल मूवी के बारे में क्या बोल दिया। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे इसी बात पे कि उन्होंने क्या बोला और सूर्या कैसे एनिमल में शामिल हो सकते हैं, क्या पार्ट टू बन रहा है, कई सवाल उठ रहे होंगे ना। तो उसमें बॉबी देओल कहाँ चले गए, उसमें रणबीर कपूर कौन है, रणबीर कपूर का क्या रोल होगा, तरह तरह के बीच में आया कि भाई विक्की कौशल भी आने वाले हैं। तो ये सब जो सवाल हैं वो आपके जहन में उठ रहा होगा, लेकिन इस जवाब पे विराम लगाऊंगा मैं इसी वीडियो में। मैं हूं रणदीप सेंगर, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों और रिलेटिव के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करते रहें। मैं हमेशा बोलता हूँ आपका कमेंट बहुत वैल्यूएबल होता है और ये मेरे मार्गदर्शन का काम करता है। कुछ ज्ञान आपसे लेता हूँ और कुछ ज्ञान आपको देता हूँ, कुछ अपने में सुधार लाता हूँ और कुछ जगह पे आप मुझे लगता है कि सही नहीं बोल रहे हैं तो करेक्ट करने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला बात करते हैं कि मैंने जो बोला कि एनिमल में सूर्या की एंट्री हुई है, तो आपको बता दूँ कि अभी तमिल एक मैगजीन के इंटरव्यू में संदीप रेड्डी वांगा से पूछा गया, क्योंकि मैं ये बता देता हूँ अब एनिमल के तमिल वर्जन में जो रणबीर कपूर का रोल है वो कौन करेगा। तो वो रणबीर कपूर का जो रोल है वो तमिल वर्जन में वो करने जा रहे हैं सूर्या, ऐसा संदीप रेड्डी वांगा ने बोला कि मेरे फर्स्ट चॉइस जो है सूर्या है। उसके बाद ये आया कि जिसके जहन में आया तो विराम लग गया कि नहीं ये कोई एनिमल पार्ट टू की बात नहीं हो रही है और ना एनिमल पार्ट टू की बात हो रही है, ये तमिल वर्जन। जैसे कि आपने देखा होगा कि उन्होंने पहले अर्जुन रेड्डी बनाया था, उसी को बाद में हिंदी में बनाया कबीर सिंह के नाम से, तो अब दूसरी शुरुआत कर रहे हैं, पहले हिंदी में बनाया अब उसको तमिल भाषा में बनाएंगे एनिमल को। तो ये तो हुआ पहली खबर कि मतलब सूर्या को वो उनसे बातचीत चल रही है या सूर्या के साथ उनका पाइपलाइन में है या सूर्या को पसंद करते हैं। उन्होंने ये बताया कि मतलब मैं तमिल अगर मैं किसी को रणबीर कपूर के रोल के लिए करूँगा तो वो सूर्या को। अब ये कितना आगे बढ़ने वाली बात है तो आगे बाद में पता चलेगी। अब आते हैं दूसरे न्यूज़ पे। जब से एनिमल रिलीज हुआ तब से कई ऐसे गैंग हैं जो एनिमल का खिलाफ करते रहे, उसमें से कुछ सीन मुझे भी समझ में नहीं आया, मैं अपने वीडियो में बोल चुका हूँ, लेकिन पूरी तरह से एकदम अगर आप देखने जाएंगे तो कुछ ऐसे लोग गैंग हैं कि वो एक गैंग बना के रखें कि भाई मुझे इन आदमी की पिक्चर को तवज्जो नहीं देना है और ऐसे मूवी को तवज्जो देना है। ऐसा नहीं कि एनिमल में ही इतना ज़्यादा गाली गलौज है या ऐसा कुछ है, बाकी कई से मूवी है, मैं पहले भी अपने वीडियो में इस पर बता चुका हूँ काफ़ी विस्तार से, काफ़ी फिल्मों का नाम भी रखा है, सीन भी बताया है, तो उस पर आज चर्चा नहीं करेंगे। क्योंकि इसके पहले आपने देखा होगा जावेद अख्तर ने बोला था कि नहीं ये तो बड़ा टॉक्सिक है, ये है मतलब ये कल्चर के लिए ख़राब है, बहुत कुछ बोला। अब उसमें शामिल हो गए दिव्य कृति, आपको जानते ही हैं कि अब वो पिक्चर में रोल भी किए, एक्टिंग भी किए, वो ट्वेल्थ फेल में उन्होंने उसमें अपना बोल सकते हैं एक्टिंग करियर की शुरुआत भी की, और वो कंट्रोवर्सी में रहते हैं, वो अभी भगवान का पूजा भी कर रहे हैं, कुछ दिन पहले तो वो रामलला के लिए पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। तो अभी वो एनिमल को लेके बोल रहे हैं कि एनिमल जैसा फालतू बदतमीज पिक्चर मैंने देखी नहीं, इससे हमारी संस्कृति उनके हिसाब से बहुत ही ख़राब वे में जा रही है, ऐसे मूवी बनना नहीं चाहिए और हमारी संस्कृति 10 साल पीछे चली गई, ये दिव्य कृति का कहना है। क्योंकि वो थोड़ा सा जावेद अख्तर साहब का है ना, जावेद जैसे वो जावेद अख्तर साहब है ना जो उनको सूट करता है, उनके एजेंडे को उस हिसाब से बोलते हैं, तो ऐसे एजेंडाधारी भी हैं जो उनको सूट करता है ना उस हिसाब से बोलते हैं। ये दिव्य कृति का आप इतिहास निकालेंगे ना तो हर जगह पे उनका अलग अलग कंट्रोवर्शियल विवाद रहा है और एक ही जगह पे बोलते हैं, उनका एजेंडा है, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है। और मैं तो मानता हूँ कि जितने भी आईएएस की पहले बुक्स बनती थी ना, और जो आप जाएंगे ना यूपीएससी की जो तैयारी कराते हैं ना, ज़्यादातर लोग लेफ्टिस्ट
जो विचारधारा के हैं, क्योंकि बुक्स में भी ऐसे ही लिखा गया है, हिस्ट्री से कोई मतलब नहीं है। वो लेफ्टिस्ट जो अपना वोक होता है ना, वो उसको उसमें डाल के हिस्ट्री का बुक हो कोई भी बुक उसको डाल के रखे। जैसे कि अभी आप मामला चल रहा है, मैं नहीं चाहता कि एजेंडा से भट के, आपने देखा होगा कि बाबा रामदेव का मामला चल रहा है, तो मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था मेरे दूसरे चैनल पे रणदीप सिंगर ओपिनियन पे, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं आप, कि रामदेव बाबा को जो सुप्रीम कोर्ट एकदम बायस्ड हो गया कि माफ़ी मांगना चाहिए, आप शाहरुख खान से क्यों नहीं माफ़ी मंगाते हो, फेयर एंड लवली का, फेयर एंड हैंडसम का प्रचार कर रहे हैं, सलमान खान ने प्रचार ऐसे बनाएंगे तो लंबा हो जाएगा, चंपरास खा के बॉर्नविटा खा के लंबा हो जाता है, शाहिद कपूर ने भी ऐड किया, तो क्यों नहीं उनके ऊपर किया है सब, आशा टाकिया ने भी ऐड किया होगा कि लोग 4 इंच लंबे हो जाते हैं। लेकिन एक वो एजेंडा है जो ये सुप्रीम कोर्ट के जज से लेकर फिल्म इंदुरिया तक ये एक गैंग था जिसको बहुत ही झटका मिला है, आज इनसे सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछते हैं इसलिए, तो ये वो एजेंडा था जो अब धराशायी हो रहा धीरे धीरे। तो उसमें वे दिव्य कृति साहब हैं, इनका आप सोचिए कि ललन, अब ये बात ना वीडियो लंबा होता जाएगा, आप देखिए कि जब कोई ऐसा, अगर एक तरफ का राइट विंग आदमी कोई ऐसा बात बोल जाता है जो कि किसी समाज को अच्छा नहीं लगता, तो ललन टॉप के जो सौरव द्विवेदी हैं वो प्लेटफॉर्म नहीं देते उनको। मान लीजिए कि जो अनुपुर शर्मा ने कुछ बोला था तो उनको भी प्लेटफॉर्म देना चाहिए था उनको, कि भाई आप भी बोलो, क्या बोलना चाहते हो, आपका क्या पोजिशन है। लेकिन वही जब उन्होंने महाभारत के ऊपर थी, रामायण के ऊपर बोला था, तो वो समय इसी दिव्य कृति साहब को ये लेकर आए और इन्होंने प्लेटफॉर्म दिया बोलने के लिए कि अपना क्लियर करो। तो उन्होंने बोला जो मैं तो कुछ देखा नहीं, जो जेएनयू के किसी प्रोफेसर ने बोला था तो उस पर मैंने बोल दिया था। तो उनको आखिर उनको आपने प्लेटफॉर्म दिया, तो ये वो एजेंडाधारी हैं यहाँ पे जो काफ़ी आजकल डिसबैलेंस हो गए हैं, कुछ चल नहीं रहा। तो इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल के लिए 2-3 चीज़ें समझाया, बेसिकली ये वीडियो था कि दिव्य कृति साहब का क्या स्टेटमेंट है, और दूसरा कि सूर्या इस मूवी में अगर एनिमल से जुड़ रहे हैं तो किस तरह से जुड़े हैं, तो तमिल वर्जन के जो एनिमल आ रहा है उससे जुड़ने जा रहे हैं ऐसा खबर है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।